जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने आई हूँ जिससे आप अपनी किसी भी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, ये तो बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। हमारे जीवन के अंदर हमारे ग्रहों का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होता है। लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होता। नहीं, आपके ग्रह आपकी हर एक दिनचर्या को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। जब भी हमारे जीवन के अंदर वैराग्यपन आने लगे, सबके साथ होते हुए भी खुद को हम अकेला महसूस करने लगें, अपने मन की बात हम किसी से कह ना पाए, हमारे अंदर एक अजीब सी घुटन होने लगे, तो ये मान के चलिए कि शनि आपको पीड़ा ज़रूर दे रहे हैं। जब आपके पास मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो और उसके बाद भी आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं हो, पैसा है पर उस पैसे को खर्च करने का मन नहीं है, अपने लोग हैं लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं शक या उनके साथ कहीं ना कहीं विश्वास की कमी आपको आ रही हो, तो समझ जाइए आपका शनि आपको पीड़ा दे रहा है। शनि आपको पीड़ा देगा तो आपकी टेक्निकली चीज़ें खराब रहेंगी, आपकी गाड़ियों का, वाहन का बार बार नुकसान होगा, आपको आए दिन कुछ ना कुछ अपने कार्य क्षेत्र में दिक्कतें उत्पन्न होती दिखाई देंगी। शनि जब भी आपके खराब होंगे, ये मान के चलिए आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं से आपको लोगों के साथ तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़े, मुकदमा, ऐसी चीज़ों के साथ निकलना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका कोई मुकदमा ऐसा है जिस पर आप विजय नहीं पा पा रहे हैं, बार बार आपको दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो किसी और चीज़ का हो, तो जिस दिन आपकी डेट हो ना, उस दिन सुबह हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर चले जाइए। एक हाथ में आप मुट्ठी भर चावल ले जाइए, चावल साबुत होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए, वहाँ पे खड़े होकर हनुमान जी का 7 बार नाम जाप कर लीजिए। उसके बाद आप उन चावलों के ऊपर 7 बार फूंक मार दीजिए। उसके बाद आप अपनी जगह पर पहुँच जाइए जहाँ आपकी कार्यवाही होनी है। जब आप अदालत के अंदर घुसे और जज के सामने खड़े हों, तब आप अपने हाथ के उस चावल को आप लेफ्ट साइड में चुपचाप डाल दीजिए। आपको ये करते हुए कोई देखे ना और किसी की नज़र आप पर नहीं पड़े। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा चावल मुट्ठी में नहीं ले जा सकते तो थोड़े कम ले जाइएगा, लेकिन करके देखिए, आपको इससे राहत ज़रूर मिलेगी। अगर आपके जीवन के अंदर बार बार आपको शारीरिक कष्ट आ रहे हैं, आपके जीवन में बार बार किसी न किसी प्रकार से आपको हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो आपको शनिवार के दिन चुपचाप किसी को बिना बताए शनि मंदिर में जाकर काले तिल चढ़ा आने चाहिए। अगर आपके संबंध में विच्छेद हो रहा है, डाइवोर्स तक बात जा रही है, आप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक बात और ध्यान रखिएगा, शनि पति पत्नी को साथ में रखकर भी साथ नहीं रहने देता, ये कार्य शनि ही करता है। अगर आप एक दूसरे के साथ भी हैं, बहुत खुश हैं एक दूसरे से, तो पता चला हस्बैंड का ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो गया जहां आप उनके साथ नहीं रह सकते, आपको किसी कारणवश कहीं और जाना पड़ा बच्चों की पढ़ाई के लिए, माँ बाप को संभालने के लिए, और पति को आपसे दूर होना पड़ा, शादी नहीं टूटेगी लेकिन साथ भी नहीं होंगे, ये काम सिर्फ शनि महाराज ही कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में आपको ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए विशेषतः बना है। आप किसी से बहुत सच्चा प्यार करते हैं और यकायक वो आपसे दूर होने जा रहा है या दूर हो गया है, आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल टूटने के कगार पर है, तो आज का ये उपाय आपके लिए है। भाग्य आपको अंतिम क्षणों में बहुत ज़बरदस्त लात मार देता है।
सब काम अच्छे से हो जाते हैं और बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके चीज़ें अटक जाती हैं। आज का उपाय आपके लिए है। क्या करना है आपको ये बताऊंगी, लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी वास्तु टिप्स दे दूं। जब घर के अंदर आपको चीज़ें खराब होती बार बार दिखाई दें, शनिवार के दिन आपके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर आ जाए जिसकी वजह से आपका मूड या आपका दिमाग खराब हो, तो आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कुछ पीपल के पत्ते लाकर शनिवार के दिन रख देने चाहिए। सोमवार के दिन इन पीपल के पत्तों को गंगा जल से धोकर आपको शिव मंदिर में छोड़ आना चाहिए। छोटा सा सरल उपाय है, करके देखिए, जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। अब आज का महा उपाय, जिनके जीवन में शनि उनके संबंधों को लेकर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत। शनि आपके कौन से नक्षत्र में हैं, कितने डिग्री के हैं और कैसे आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, अच्छा बुरा या बहुत बुरा, ये जानने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अपनी कुंडली अच्छी से दिखाकर तब आप सही उपाय करिए, जीवन में आपको सही दिशा ज़रूर मिलेगी। चलिए जी, शनि की ढैया हो, महादशा हो या साढ़े साती हो, पनौती हो, तो भी आपको ये उपाय ज़रूर करना है। शनिवार के दिन आप ढाई रोटी ले लीजिए। ढाई क्यों? क्योंकि शनि की चाल ढाई है। शनि हमेशा ढाई साल एक राशि में भ्रमण करते हैं। ढाई रोटी ले लीजिए, लेकिन ये रोटी बनाने का एक नियम है। इस आटे के अंदर आपको पिसवाते वक्त थोड़े से काले चने डालने पड़ेंगे, थोड़े से काले तिल डालने पड़ेंगे। इस आटे से आपको ढाई रोटी ही बनानी है, दो रोटी बड़ी और एक रोटी छोटी, आधी के रूप में। ढाई रोटी बनाकर इसके ऊपर कड़वा तेल लगा दीजिए। इसे ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। वहीं पर बैठकर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद आपको उस पीपल के पेड़ की तीन परिक्रमा काटनी है और प्रत्येक परिक्रमा में ये कहना है कि मेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं महादेव उसे दूर करें, मेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं भगवान विष्णु उन्हें दूर करें, मेरे जीवन में जितनी परेशानियां हैं ब्रह्मदेव उन्हें दूर करें। इस तरीके से तीन परिक्रमा लगाइए ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से और अपने घर वापस आ जाइए। सात शनिवार ये ढाई रोटी का उपाय करके देखिए और फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। होएंगे, ज़रूर होएंगे, और होएंगे तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। दिए गए नंबर्स पर आप अपनी परेशानियों के लिए हमें कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।